अजमेर के उसरी गेट के नजदीक पद्मा डेरी के पास पानी भरते समय एक खानाबदोश अचानक नीचे गिर गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना पर स्थानीय पार्षद भारती श्रीवास्तव व केसरगंज चौकी प्रभारी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लेते हुए खानाबदोश मृतक के शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल खानाबदोश की शिनाख्त नहीं हो पाई है, उसकी शिनाख्त के लिए पुलिस प्रयास में जुटी है। चौकी प्रभारी दयानंद शर्मा ने बताया कि आसपास के लोगों के अनुसार पानी भरते समय खानाबदोश नीचे गिर गया, जिसके सिर में गहरी चोट आई है, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है, परिजनों को तलाश किया जा रहा है, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। पानी भरता भरता एकदम गिरा, गिरने से इसकी मृत्यु हो गई है। आसपास से बच्चों ने आगे चेक किया तो ये मर चुका है। इसकी बॉडी अभी हमने चेक किया, अभी कोई दस्तावेज वगैरह नहीं है, अपने बॉडी को मोर्चरी रखा जा रहा है और जैसे आगे का जरूरत होगी कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लगा? प्रथम दृष्टया तो ये एक्सीडेंट हो जाएगा, गिरा है, गिरने से इसकी मृत्यु हुई है। अच्छा, कोई शिनाख्त हुई? अभी शिनाख्त वगैरह नहीं हुई है। कहाँ पर हुई है ये घटना? ये है अपने पद्मा डेयरी के आगे। अच्छा, उसरी गेट शव का मोर्चरी में रखा? आपका परिचय? मैं दयानंद शर्मा, इसे कनक लगता है। देखिए, मेरे को मौके पर सूचना मिली कि वार्ड नंबर 16 में ये सेंट्रल स्कूल के पास में कोई अनजान व्यक्ति था जो पानी भरने आया था। उसके जेब में कुछ दवाई वही मिली है, तो यहाँ पर पास वाले डेयरी वाले भैया हैं, उन्होंने देखा कि भड़ाम से जोर से आवाज़ आई है, तो एक इतना तेजी से गिरा जैसे कोई बम फटा हो। देखा तो उसने कि उसके सिर के नीचे से भयंकर ब्लड बह रहा था और खूनम खून पूरा हो रहा था। जब आके यहाँ पर प्रशासन पुलिस भी मौके पहुँच गई है और अब इस लाश को यहाँ से ले जा रहे हैं बॉडी को, और वहाँ पर इसकी तहकीकात करेंगे किस घर से है, क्योंकि इसकी कोई आईडी नहीं है। तो मैं प्रशासन को कह देना चाहती हूँ, कम से कम जो इस एरिया में नशे के काम हो रहे हैं या इस तरह के लावारिस लोग घूम रहे हैं, उनके पास अगर आईडी नहीं है तो उन पर शहर में कम से कम उन पर आईडी होनी चाहिए। अगर आईडियाँ नहीं है तो उनका कुछ ना कुछ इंतजाम करना चाहिए, ताकि इस तरह की अगर घटनाएँ होती हैं तो हम लोगों को पता रहना चाहिए कि व्यक्ति कहाँ का है, कहाँ से आया है। ऐसे अगर लोग घूमेंगे और उनके आइडिया नहीं होंगी, बिना आईडी के अगर ऐसे रहेंगे तो कभी भी कोई भी हादसा हो जाता है और पता नहीं चल पाता। फिर बाद में जब व्यक्ति मर जाता है तो अड़ोसी पड़ोसी जो देखता है ना, उसको पुलिस जैसे गवाही के लिए ले जाती है, तो वो खुद भी जैसे आज उनको ले जा रहे हैं कि गवाही आप बताओ कि कैसे मरा, क्या हुआ, तो वो भी घबराते हैं। तो पहले ही ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि अगर इनकी आईडी नहीं है, इस इलाके में नहीं रहते हैं, तो ऐसे लावारिस लोगों को यहाँ घूमने नहीं देना चाहिए। कुछ ना कुछ प्रशासन को इसके लिए स्टेप उठाना चाहिए। ठीक, भारतीय श्रीवास्तव, महिला मोर्चा अध्यक्ष शहर जिला और वार्ड नंबर 16 से पार्षद।